और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे। एसएसबी जवानों की साइकिल रैली और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको? आयुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और एसएसबी के सभी बहादुर जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब मैं सशस्त्र सीमा बल के इस साइकिल यात्रा को यहां से फ्लैग ऑफ करने का अवसर मुझे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल की कार्य पद्धति को मैंने 2001 से भारत नेपाल सीमा पर देखा है। वह केवल एक फोर्स के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध बनाए जाने हैं, इस कार्य पद्धति को जिस मिशन मोड में लेकर के भारत नेपाल के संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया, इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आने दी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृश्य एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर अपनी पुलिस से भी इस बात को कहता हूं कि हमारे लिए अपनी परंपरागत पेशेवर इंटेलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबके लिए होती है। और एक आम नागरिक बहुत सटीक और सही जानकारी हम सबको आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि, सीमा की सुरक्षा की दृष्टि दे सकती है। और इसको उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ती है। इस सीमावर्ती क्षेत्र पर अपने कार्य को अच्छे ढंग से एसएसबी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 2021 को इस देश ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की कीमत क्या होती है ये वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का एक अवसर हम सबके सामने है, लेकिन आजादी का यह महोत्सव केवल उत्साह और उमंग का ही अवसर न हो बल्कि देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
उनके त्याग और बलिदान से भी एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह एक अवसर हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश तो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी कर रहा है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में देश की स्वाधीनता के लिए स्थानीय नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भारी आंदोलन किया था, जो बाद में इतिहास के पन्नों में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात हुआ। और इस अवसर पर हम लोगों ने अमृत महोत्सव और चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव को एक साथ जोड़ते हुए एक व्यवस्था बनाई कि इन दोनों आयोजनों को एक साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हर शहीद स्थल पर, देश की स्वाधीनता से जुड़े हुए सभी पवित्र स्थलों पर या देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बने हुए स्मारकों पर विशेष आयोजन हो, और उस आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तेजपुर असम से 2384 किलोमीटर की दूरी तय करके यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में संपन्न होगी। और इस अवसर पर अनेक ऐसे स्थलों का अवलोकन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के प्रति अनेक प्रकार की रोचक जानकारी देने और लेने के उपरांत यह रैली राजघाट दिल्ली पर पहुंचेगी। वैसे भी इस प्रकार के आयोजन किसी भी संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक लक्ष्य दिया था 2015-16 में, और हर राज्य के लिए अनिवार्य था कि वह किसी एक अन्य राज्य के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए एक एमओयू साइन करे। हम लोगों ने 2 राज्यों के साथ, एक महाराष्ट्र के साथ और एक पूर्वोत्तर के राज्यों में, कभी असम के साथ, कभी मणिपुर के साथ, कभी अरुणाचल के साथ, हम लोगों के इस प्रकार के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाया है। हमारे चाहे वह स्वाधीनता दिवस का अवसर होता हो या गणतंत्र दिवस का, हर राष्ट्रीय पर्व में हमारी टीम, सांस्कृतिक टीम वहां जाती है और वहां की टीम उत्तर प्रदेश में आती है। ऐसे ही उनके यहां जब भी कोई परेड होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस वहां जाती है और वहां की पुलिस भी हमारे आयोजन में यहां पर सहभागी बनती है। एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ हम जुड़ सके, उसे आगे बढ़ाने के लिए, और यह रैली भी सही मायने में असम से होते हुए एक लंबी दूरी तय करते हुए देश की राजधानी लखनऊ में बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। स्वाभाविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक संकल्प के रूप में दिया है, उसको साकार कर रही है। सशस्त्र सीमा बल के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। इस साइकिल यात्रा में जो जवान इसमें भाग ले रहे हैं, उनकी यात्रा व्यापक जन जागरण का कारण बने, आम जनमानस को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव
अपनी स्वाधीनता को छोड़े बनाए रखने और हर प्रकार के उन सभी खतरों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ेगी इस विश्वास के साथ। इन सब के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। एसएसपी साइकिल रैली में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और अपनी बातों का जिक्र करते हुए यहां पर उन्होंने जवानों का हौसला किस तरीके से अफजाई किया, साथ ही साथ जो सपूत देश की सुरक्षा में जिनकी जान चली गई, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया।